हेलो एंड नमस्कार सबको, कैसे हैं आप सब? आशा करते हो बहुत ही बेहतरीन होंगे और अपने आप को कोविड से सुरक्षित रख रहे होंगे। जब जरूरत पड़ेगी तभी बाहर आ रहे होंगे। अपना प्लीज़ बहुत 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 ध्यान रखिए, बिकॉज कोविड के केसेस एकदम से बढ़ गए हैं, तो यू नीड टू टेक केयर अगेन। और वेलकम और वेलकम बैक टू द ब्लॉग। आप देख रहे हैं सुमी सुमी का चैनल, जिसका नाम है ऑनलाइन शॉपिंग विद सुमी, एक ऐसा चैनल जहाँ पे आपको 3-in-1 एक्सपीरियंस मिल जाता है। आज मैं आई हूँ एक मीशो का हॉल लेकर। एज सेड, मैंने आपको पिछले हॉल में ये व्हाइट कलर का कुर्ता दिखाया था और मैंने आपको बोला था कि इसके साथ मेरे बहुत सारे और हॉल्स आने वाले हैं अपकमिंग, क्योंकि मैंने एक समर अफोर्डेबल कुर्ता प्लाजो का सेट का हॉल बनाया था। बट उसमें क्या हुआ ना, ये दिस इज़ माई सेकेंड टाइम आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस द सेम थिंग फ्रॉम मीशो। मैंने और दो सेट ऑर्डर किए थे, एक ये था और एक मैंने एक ट्राउज़र ऑर्डर किया था, बिकॉज रिसेंटली आई हैव बाइड वन कुर्ता फ्रॉम कशिश और उसके बाद पेयर करने के लिए मैंने ये ट्राउज़र बाय किया था। बट ये तीनों के तीनों चीज़ें ना ऑटोमेटिकली कैंसल्ड हो गई और आई डोंट नो हाउ वाई इट गॉट कैंसल्ड, बिकॉज इसमें बस इतना लिखा आ रहा था कि शिपिंग डिलेड हो गई, तो इसलिए वी हैव कैंसल्ड द प्रोडक्ट एंड इट कैन नॉट बी डिलीवर्ड टू यू एनी मोर। तो और वो प्रोसेसिंग फी, वो जो मतलब क्योंकि मैं सारे परचेजेस आजकल UPI पेमेंट से करती हूँ, बिकॉज अगर आप UPI पेमेंट से पे करते हैं मीशो में तो आपको मिलता है 17-20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं मीशो में जब भी परचेज करती हूँ मैं UPI पेमेंट करती हूँ और रिटर्न एंड रिफंड्स के लिए इतना कोई इशू नहीं होता, बिकॉज जब भी आप कोई भी आप प्रोडक्ट वापस करते हो, रिटर्न करते हो, तो एकदम से जैसे पिकअप होता है आपको, उसका रिफंड एकदम से बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो आई वाज प्रीटी क्वाइट श्योर कि अगर कोई भी चीज़ कैंसिल भी हो गई या मुझे रिटर्न भी करना है तो इट इज़ नॉट अ वेरी बिग इशू। बट आई डोंट नो कि ये तीनों की तीनों चीज़ें क्यों कैंसिल हुई, मुझे नहीं पता। तो जो मुझे रिसीव हुआ, मैंने एक साथ में आई थिंक 5 कुर्ता सेट्स ऑर्डर किए थे, तो मुझे एक ये वाइट वाला है और दूसरा ये वाला ही डिलीवर हुआ। बाकी इसके साथ के जितने भी थे सारे के सारे हो गए हैं, आई मीन दे हैव बीन कैंसल्ड, आई डोंट नो वाई। तो जल्दी से इसका रिव्यू देखते हैं। ये जो साड़ी मैंने पहन रखी है, इसका अभी रिसेंटली मैंने रिव्यू किया था, अगर आपने चेक नहीं किया है, ये साड़ी बहुत ही ब्यूटीफुल कॉटन साड़ी है, तो यू मस्ट गो टू माई चैनल एंड चेक ऑन टू इट। माई चैनल का लाइक इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बार कमेंट सेक्शन में ऐड कर दूंगी। और इसको ना मैंने रिसेंटली अभी कॉलेज में पहना था, इस तरीके से इसका गेटअप डाला था मैंने। ये जो सिक्वेंसिंग ब्लाउज मैंने रिसेंटली खरीदी थी मीशो से, उसके साथ पेयर किया था मैंने व्हाइट कलर के ब्लाउज के साथ, तो वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था देखने में एंड एवरीबॉडी कॉम्प्लीमेंटेड टू मी। और टाइम वेस्ट नहीं करके जल्दी से शुरू करें, जल्दी से आप जैसे ही मैं स्टार्ट कर रही हूँ, स्टार्ट करने से पहले पहले आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं जल्दी से अपना जो मेरा टारगेट है सेटेड वो मैं अचीव कर सकूँ। रिव्यू देखिए। तो इस तरीके का ब्यूटीफुल सा रेड कलर का दुपट्टा है और इसके दोनों साइड में ना जो लेंथ वाला साइड है उसमें इस तरीके से गोटा पट्टी का काम किया गया है, लेस लगाई गई है, सॉरी नॉट गोटा पट्टी, इस तरीके से लेस लगाई गई है। दुपट्टा शिफॉन का है, लेंथ इज परफेक्ट और बहुत ब्यूटीफुल टमाटरी रेड है। एज यू नो आई डोंट नो हमेशा मेरे कैमरे में क्यों रेड कलर ऑरेंज दिखता है, बट इसका पिक मैं लगा दूंगी। बहुत ब्यूटीफुल सा रेड है और दो कॉर्नर्स पे आपको ये मिल जाएंगे, जहाँ पे लेंथ है वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा और जहाँ पे इस तरीके का ब्रेथ वाला पोर्शन है वहाँ पे इस तरीके से ये कटिंग वाला वर्क किया गया है। बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में ये दुपट्टा भी, और साइज अगर आप देखोगे दुपट्टे का इट इज सफिशियंट, बहुत आराम से, कोई भी कॉस्ट मतलब ऐसा नहीं है कि छोटा है दुपट्टा, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद जिस कलर का दुपट्टा है उसी कलर का आपका पैंट दिया गया है, दोनों के दोनों ऑरेंजेस दिख रहे हैं, बट बहुत ब्यूटीफुल टैमरिंड, सॉरी आई मीन टोमेटो रेड है कलर का, कलर में फोटो में आपको क्लियर हो जाएगा ये। उसके बाद आता है ये कुर्ता, बहुत ही ब्यूटीफुल सा पीच कलर का कुर्ता है और कॉटन का जो क्लॉथ का क्वालिटी इज फैंटास्टिक। अगर आप इसको पास से देखोगे तो ये जो डिज़ाइन है जो आपको दुपट्टे में दिखा था वो उस तरीके का ट्राइंगुलर डिज़ाइन मिलता है, गला यू शेप का है और इस तरीके से इसमें गोटापत्ती की लाइनिंग की गई है, पूरा नेक में आपका पूरा नेक नहीं जलते इस तरीके से आएगा। और ये वाली लेस लगाई गई है जो आपके दुपट्टे में लगाई गई थी, पूरे के पूरे दुपट्टे में, सॉरी पूरे के पूरे कुर्ते में इस तरीके से प्रिंट मिलेगा, फ्लावर प्रिंट, बहुत ब्यूटीफुल है। एंड ऑफ द हैंड में आपको फिर जो पैटर्न आपके गले में आ रहा था, जैसे पहले ये कट वर्क वाला काम, फिर उसके बाद ये लाइनिंग, ये आपको हैंड्स पे मिलेगी। सो पूरा का पूरा जो कुर्ता है बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत ही ज़्यादा मतलब भर के काम दिया गया है, तो अगर आप इसको पहनोगे ना बहुत ब्यूटीफुल लगने वाला है। टर्न अप साइड में देखते रहिए तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से लगने वाला है। आई नो आई एम लुकिंग वेरी डल ना, एक्चुअली आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूं, बहुत ज़्यादा काम करा इसीलिए। और ये साइज़ मैंने L मंगवाया है, बिकॉज अगर छोटा हो जाता है ना तो वो बहुत दिक्कत होता है, बार बार वो रिटर्न करो फिर वापस एक्सचेंज करो, तो इसलिए हमेशा मैं एक साइज़ बड़ा मंगाती हूँ, मेरे को लूज़ होगा। बट ट्राई ऑन में मैंने इसमें पीछे क्लिप लगा दिया है तो आपको पता चल जाएगा कि देखने में कैसा लगता है। एक और बात जो मैं आप जेन्युइनली आप लोगों से बताना चाहूँगी वो ये है कि ये जो व्हाइट कुर्ता का सेट मैंने मंगवाया था ये बहुत ही ब्यूटीफुल था सेट,
बहुत परफेक्ट वो समय था, बट इसमें आप प्लीज़ एक और साइज़ बड़ा मंगाइए, बिकॉज मैंने एल साइज़ ऑर्डर किया था. यूजुअली क्या होता है ना, एल साइज़ मुझे ढीला आता है और मैं उसको फिटिंग करवाती हूँ, बट इसका जो कुर्ता वॉज फाइन ऑफ एल साइज ऑल्सो फाइन इन द सेंस, मुझे फिटिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ी. और लेकिन जो प्लाजो था ना, दैट वॉज प्रीटी टाइट. तो अगर आप वाइट वाला सेट ऑर्डर कर रहे हो तो आप प्लीज़ उसका एक और साइज़ बड़ा मंगाइए, आप जो भी साइज़ यूजुअली पहनते हो उससे बड़ा. मैंने फिलहाल उसको एक्सचेंज में डाला है बिकॉज वो मुझे सेट बहुत प्रिटी लगा था देखने में. तो मेरे पास आपको दिखाने के लिए बस यही एक चीज़ थी. आई वॉज वेटिंग सो ईगरली ये दोनों सेट्स के लिए और ट्राउजर पहन के लिए, बट इट गॉट कैंसिल. एनी वेज, स्टे ट्यून्ड विद मी बिकॉज आने वाला है वेडिंग सीजन का एक लुक बुक. मैं उस लुक बुक को दो भागों में डिवाइड करूँगी, और एक बनाऊंगी मैं वुमेंस के लिए लुक बुक और एक बनाऊंगी मैं गर्ल्स के लिए लुक बुक. सो स्टे ट्यून्ड विद मी. एक और बात, पूजा जी मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगी मेरा मिस टू मिसेस का जो जर्नी रहा उसको, बिकॉज अनिल इज क्वाइट बिजी नाउडेज, उसके ऑफिस में बहुत सारा काम हो रहा है, उनको टाइम नहीं मिल रहा. बट एलसी अगर उनको टाइम नहीं मिलता है तो मैं ही लेकर आऊँगी, बट बहुत जल्दी लेकर आऊँगी. स्टे ट्यून्ड विद मी, स्टे कनेक्टेड विद मी. जाते रहते प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाइए अपने फ्रेंड्स के साथ भी, इसे मेरे चैनल को आई मीन शेयर कीजिए ताकि मेरे व्यूज बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाए. टिल देन अपना बहुत 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 ध्यान रखिए. टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू.